शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये हलकट, ये इधर हम दोनों काम कर रहे तो उधर चौकीदार की तरह चक्कर काट रहा है। अरे 20 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। वो 20 लाख के तेरे पास इधर चल के आने वाला है, ऐसे ही समझ लो। क्यों? वो 20 लाख के पास टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं, जैसा चल के आएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बाबू भैया, एक आदमी आने वाला है, मस्त पैकी उसको मैंने बाटली में उतारा है। ये देवा, ये बाबा बाटली चीज ही ऐसी है साला, बड़े बड़े उतर जाते हैं। ये कह रहे हैं मैकेनिक, रात भर खांस रहा था, जा जाके मेरे बाटली से 2 घूंट मार ले जा। क्यों, दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जाएगा रे? बॉस बॉस बॉस, वो आ रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करो। अरे इतनी जल्दी आ गया? पैसा लाया? अगर भाई, ये तो लावणी वाला है। ये तो ये माली है मेरा। ए बाबू, पानी बराबर दे रहे। क्या माला बाबू भाई, ऐसे डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। ये आपका माली है, ये तो उस दिन वहां पे हाँ उड़ा रहा था, मालूम है क्या है? इसको जब भी पगार मिलता है ना, मेरे को लाके दे देता है, मैं उसका डबल कर देता हूँ और वो जाकर उड़ा देता है। अरे ये भी तो उसने कहा था। ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर, तेरे को बोला ना डिक्की में से पैसा निकाल के अंदर रख। ये चुप्पे, ये आपको चुप्पे बोला? मेरे बाप समान है वो, 5 साल का था तब से पाल पोस के बड़ा किया उसने मुझे, तब से मेरा ड्राइवर है वो। 5 साल? लेकिन इसकी उम्र तो आपके बराबर लगती है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना? 4 करोड़ रुपए खर्चा किया है इसके मुंह पे प्लास्टिक डालने के लिए। जिम भी ज्वाइन कर रहा है, मालूम पड़ता है 60 साल का। ना ना भाई, पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। पैसा लाया? लाया ना भाई। भाई अंदर बैठ गिन ले। अंदर कुछ नहीं, हम लोग बैठते बैठते नहीं। बा, 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 भाई थोड़ा पानी वानी तो हो जाना चाहिए। पानी कौन पीता है? पानी सिर्फ पौधों के लिए, हम सिर्फ बियर पीते हैं, सेव वाटर ड्रिंक बियर, दैट्स आवर मोटो। भाई 25 दिन में डबल हो जाएंगे ना? अभी ये दोगे तो डबल होगा ना। ले लीजिए, 25 दिन बाद आता हूं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके ओके बाय, ओके बाय। कार हलकट, मेरे को माली बोला तू? अरे बाबू भैया 20 लाख रुपए मिल गए। ड्राइवर साला खुद काला चश्मा पहन का चोर दिखता, मेरे को ड्राइवर बोलता साला। अरे चोर, चोर साला, रुक पागल हो गया तू? ये रखो तू, अरे अरे साला क्या हाला, सामने बंद कर दिया, बंद कर दो और खिड़की पे पर्दा लगा दो, लुंगी लटका दो, ये साड़ी नदी पे चिल्ला रहे हो, रंजीत की साड़ी लगा दो पर्दे की तरह। अरे मेरा नाम रंजीत नहीं परमजीत है। अरे तू कौन सी भी हार जीतो, बाहर ही इनाक से बोलो। मोना मोना, हमारे नेबर में इंडिया का बहुत बड़ा डॉन आया जिसके सर पर 2 करोड़ का इनाम है। अरे कहां 2 करोड़ का इनाम? मुझे भी देखने दो, 2 करोड़। अरे कहां जा रहे हो, वो सर पर 2 करोड़ लेके थोड़ी ना घूमता है, मैं नहीं जाने दूंगा। मम्मी देखो, अनमोल मुझे देखने नहीं देता। क्या आज फिर से तुमने मेरी बेबी का दिल तोड़ा? मैंने कुछ नहीं किया। तू जा, और अच्छा हो तो मुझे भी बताना। अरे बेबी की बा, वो बायोस्कोप नहीं है, गुंडा है, साला मार डालेगा, समझती नहीं है करमजीत तू। मेरा नाम करमजीत नहीं परमजीत है। तेरा कोई भी नाम हो, गोली नाम देखकर नहीं चलती, घुस जाएगी गले के अंदर। बंद कर दरवाजा, बंद कर। मम्मी जी बहुत ही खतरनाक गुंडा है, कभी भी फायरिंग हो सकती है। सचमुच? हाँ। अभी हम क्या करेंगे? मैं तो बोलता हूँ 2 जोड़ी कपड़ा बांधो, सीधा मुंबई। गुड आइडिया, मैं पैकिंग करता हूँ। तू पासपोर्ट ला, मैं जाकर टिकट निकालता हूँ। हाँ हाँ, मैं पैसे देती हूँ, अभी की अभी टिकट लाते हैं। ए रुको, टिकट लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी वही बोलता हूँ, बिना टिकट प्लेन में चढ़ जाते ना, टीसी आएगा ना तो उसको $4-5 दे देंगे। हम लोग राजकोट में ऐसा ही करते थे। हाँ? कोई कहीं नहीं जा रहा है, मैं तुम दोनों की चाल अच्छी तरह से समझ गई हूँ। डॉन का डर दिखाकर इंडिया भाग जाना चाहते हो? हाँ? नहीं नहीं, ये तो सच्ची खतरनाक डेडली डॉन है ये। अगर वो डेडली डॉन है तो मैं भी डेडली डायन हूँ, उसमें तो कोई शक नहीं है। Shut up! Just go to the kitchen and do your work.
इतना अच्छा मौका हाथ से गया। चलो वही हाथ से खाना बनाते हैं। दामाद जी, कितनी लंबी सीढ़ी है ये। दामाद जी, चलो चलो चलो, जल्दी पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन क्यों? अरे भाई ये है ना, मैंने पुलिस के नाम ये लेटर लिखा है। लिखा है जरा देख लेना अंग्रेजी बराबर है कि नहीं है। क्या है ये? मैंने लेटर में लिखा है कि हमारे बाजू में ना इंडिया का बहुत बड़ा गुंडा रहता है, और मेरा साइन देखा, मैंने साइन अजीत के नाम का किया है। कौन अजीत? ले तेरी सासू मेरी वाइफ। लेकिन डैडी जी ये, जब गुंडे को पता चलेगा ना कि इन दोनों ने ये चिट्ठी लिखा है, तो गुंडा इन दोनों को खत्म कर देगा, और बाद में पुलिस गुंडे को खत्म कर देगी। देखा, एक चिट्ठी है, दोनों की छुट्टी। चल जल्दी किक मार, चल। ये गाड़ी है। हाँ तो हाथ से किक मारो, भी लेट होता है। किक क्या, धक्का मारना पड़ेगा, बैटरी डाउन है। बैटरी डाउन है इसका, बोल। कहो तो मैं छोड़ दूं। He's dangerous. हम लोग चले जाएंगे अपने आप। हो भाई, अपने आप जाएंगे। हो भाई, आइए लिफ्ट दे देता हूँ। लिफ्ट का क्या काम, हम तो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट लेके ऊपर थोड़ी जाना है। हम चले जाएंगे। हो भाई, चले जाएंगे। मेरा मतलब है गाड़ी में मेरी। नहीं नहीं नहीं, हम लोग चले जाएंगे। 15 तो माइल जाना है। 7:30 ये चलेगा, 7:30 मैं चलूंगा। वैसे जाना कहाँ है? पुलिस स्टेशन नहीं जाना। पुलिस स्टेशन? नहीं नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जाना। ये देखो ना, मेरे को लेटर भी पोस्ट करने का। ये रख अभी, संभाल के। आप रखिए, आप बड़े। अरे भाई तू छोटा है ना, तू रख संभाल के। गाड़ी का बड़े ना, लाइए मैं पोस्ट कर देता हूं। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रहे, हम लोग पोस्ट कर देंगे। क्या बात है, बड़ी जवानी फूट रही है तुम में। कुछ खास लिखा है अंदर? खास क्या इसमें, आपके बारे में नहीं लिखा। खास नहीं है आपके बारे में? मेरे बारे में लिखना भी मत, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे बारे में लिखे, पढ़े या समझे। समझे? सही बात है ना। देखो, हम तो आपको पहचानते भी नहीं, हमको तो मालूम भी नहीं है कि आप इंडिया से है क्या जी? और इसको तो ये भी मालूम नहीं है कि आपके सर पे इनाम है, और वो भी 2 करोड़ का। आइडिया है तेरे को? नहीं है, बोलो। चलो क्या है, मेरे बारे में कोई बातचीत करे या कानाफूसी करे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। मेरा खून खौल उठता है। जब मैं पैदा हुआ तो सीधे डॉक्टर को काट लिया। क्यों क्यों काट लिया? क्यों? चिल्लाने लगा, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ, बधाई हो आपके घर में बेटा पैदा हुआ। ये कोई बोलने की बात है? काट लिया, मर गया साला। अभी मैं काटता नहीं हूँ। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि गुस्से पे काबू कर लिया। लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है ना, वैसे सुधर ही जाता है। अच्छा, अब मेरा बोलता पोपट काटता है। बोलता पोपट? ये तुम्हारे पास पोपट है? ले, हमने तो कभी देखा ही नहीं है। वाह, दिखाता हूँ। पोपट जेब में रखता है? ते ऐसा जेब में रखता है तो वो चांच नहीं मारता है? कर दे यार तू अंदर हो तो। ये पोपट नहीं है, है ना? आपको किसी ने बेवकूफ बनाया है। ये चाकू है, चाकू। हाँ, इसे क्या है, वो घर में सब्जी काटते ना, ये वो पोपट नहीं है। ये बोलता पोपट ही है। इसकी चोंच अगर किसी आदमी को छू लेना तो वो फटाफट पोपट की तरह बोलना शुरू कर देता है। तुम दोनों मुझे बहुत भोले और मासूम लगते हो, इसलिए मैं तुम दोनों को 3 लाइफलाइन दे देता हूँ। और टाइम प्लेट भाई, चौखवट कर लिए। 3 माने इसका 3 और मेरा 3, माने टोटल 6 ना, तो समझो नहीं, टोटल 3, डेढ़ तेरा डेढ़ मेरा। क्यों? हंस नहीं, ठोक से। I love your smile. I love your smile. मेरी भी अच्छी है। चलो आओ कॉफी पीते। नहीं नहीं नहीं, मेरा उपवास है। मेरा भी उपवास है। आओ ना कॉफी पीते हैं। वाह, क्या बंगला है भाई, बहुत अच्छी। क्या बात? वो है बंगला। अच्छा, ये एक बालकनी, 2 खिड़की, 1 मेन गेट। झाड़ कौन सा है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लिख लेता हूँ। तू दलाल है? हाँ, हम लोग जासूसी करने आए हैं ना, यहाँ एस्टेट एजेंसी खोलने नहीं आए। ये छोड़, ये पकड़।
भाई ये बहुत अच्छा किया आपने डंडा लिया, यहाँ के लोग कुत्ता बहुत पालते हैं, पता नहीं क्यों। ये माइक है। मैं कुछ बोलूं? अबे बोलना नहीं है इसके अंदर, इससे सुनना है। अच्छा अच्छा तू वहां जा, मैं सुनता हूँ। आप इससे सुनेंगे? अबे यार इससे सुनूंगा नहीं, इससे देखूंगा सुनूंगा इससे। तू जाना यार, तू जा यार प्लीज। उल्टा उल्टा, तू उल्टा नहीं, माइक उल्टा, माइक उल्टा, या माइक उल्टा कर। कैसी है नताशा? सेक्सी है ना? ये नताशा है या 70mm का तमाशा? ये देख, बड़ी जूनी पुरानी आइटम है। ये करण लगता है कोई भंगार वाला है। नताशा! ये बार बार खुद को क्यों बुला रही है? पता नहीं। नताशा! क्या हुआ स्वीटी जी? क्यों चिल्ला रही हो? नताशा आदमी है क्या? पता नहीं इसने अपने नाम के साथ क्या क्या बदली किया। मेरे को तो ये आदमी करण ना फुल ऑफ डाउट लगता है। शूटिंग को देर हो रही है, नताशा कहाँ है? स्वीटी जी नताशा अपने कमरे में है। आंटी सॉरी आंटी आई एम लेट, बस 5 मिनट और। ओके जल्दी ये है नताशा। 100% यही है नताशा। क्या बात है उदय भाई, फिल्म के हीरो ने कॉम्प्लेक्स दे दिया क्या? बल्लू जी भाई बता जरा। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा। अरे वो नहीं, मुहूर्त पर क्या हुआ बता। मुहूर्त? अरे वो तो कमाल हो गया। सुनील शेट्टी को निकाल के भाई को हीरो ले लिया डायरेक्टर ने। बोला सड़क पे से किसी को भी उठाकर स्टार। नहीं 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 नहीं, बोला सड़क पे से किसी को नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि एक बहुत बड़े एक्टर को ले रहा हूँ। बहुत ग्रेट डायरेक्टर है वो। और मजनू भाई देखो, भाई का पेपर में फोटो भी आया है। लो लो भाई लो। ये देख। लेकिन साथ में ये क्या खबर छपी है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? क्या चल रहा है रे? जल रहा? क्या जल रहा है? तेरा जल रहा है कुछ? नहीं मुझे तो बदबू आ रही है। ए मजनू उड़ जरा, जरा पलट, ए देख पीछे से धुआं निकल रहा है। ले भाई से पंगा। मैंने आपसे कहा था ये घर इलीगल है, मैं नहीं, मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। सामान अंदर ले आना जी। क्या हुआ? क्या हुआ? अबे हमारे पड़ोस में आग लग गई। नहीं आग नहीं लगी, एक ढिंचक पटाखा आया है। क्या? सच? कौन? एक दादी।
और एक दादा भी है। तो दादा फटाका है। नहीं नहीं वो फोड़ डालूंगा साले। अबे पोती भी है, सोए सोने सा बदन, चांदी सी नजर और रेशम से आंख, हीरे की आंख में जैसे मैंने देखा तो भागते 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 सांस भूल गई लेकिन तुम लोगों के पास आ गया। क्या बात है, मतलब जिसे ढूंढा गलियों में पगिया में वो मिली घर की खटिया में। क्या बात है मारू, जैसे मैंने देखा तो सोचा तुम लोगों को बता दूं। ए भाई मेरे दरवाजे पे तो धनलक्ष्मी सीटी मार रही, तुम लोग अपना अपना देख लो। सरकार लड़की की तलाश में साथ थे, अब पटाने में भी साथ रहेंगे। अरे लेकिन यार ये नाइंसाफी नहीं होगी, लड़की एक और हम चार। अबे तो क्या हुआ, बचपन में एक ही पतंग के पीछे हम लोग भागते नहीं थे टैनी लेकर? बस वैसे ही मिलजुल कर कोशिश करते हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा पटाखा उसे ही मिलेगा। बाकी के फूट लेंगे बिना तकरार के। बोलो मंजूर है? बिल्कुल मंजूर। चलो हाथ मिलाओ। कहाँ है, आजा। अबे तुम लोग झगड़ते रहो, मेरे को दिखने दो। दिख रहा है क्या चेहरा, दिख रहा है? अबे चेहरे की किसको पड़ी है, बाकी मस्त है। ये बायनोक्युलर मेरा है, देखना है तो दूसरा खरीद कर लाओ। अबे अरे यार इसकी और मेरी जोड़ी क्या बनेगी यार। हवा में नजर चिपकाए क्या हो रहा है यार? नहीं नहीं अब हम लोग को लगा उधर कोई चोर उचक्का घुस गया, इसके लिए हम लोग खाली देख रहे थे। मां कसम वहां चोर उचक्का कैसे घुस सकता है, बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते हैं। नहीं ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करी, बार 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 निकलो, बार आओ। चौथा कहाँ है? आ रहा है, आ रहा है। कब से मुझे नींबू मिर्ची की तरह टांग के रखा है, आज पैसे देंगे कल अमीर हो जाएंगे है? अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली, अभी मेरे चार आदमी आके तुम्हारा कचरा बाहर फेंक देंगे, समझे ना? फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पे रह लो या तो फिर बीच सड़क पे, तुम जाने और तुम्हारे खून लग जाएगा। ये रहा आपका पैसा। ये क्या, इस महीने का किराया कहाँ है? ये महीना खत्म कहाँ हुआ है? ठीक है ठीक है। अबे तू पैसे कहाँ से लाया? वो दुकान का बचा था। तुम्हारे पापा अफगानिस्तान में ना? हाँ। तो वहाँ तो जंग चल रही है। हाँ। सारे इंडियंस अपने घर वापस आ गए हैं, एक तुम्हारे पापा को छोड़कर। मालूम है क्यों? क्यों? इसकी वजह से। वो गई किधर? एक मिनट अबे अबे हटना, मुझे भी देखना है। मारू रुकना। दिन में चैन ना रात में शांति, अबे निकम्मो खुद तो घूमते रहते हो, जुल्फे उड़ाते लेकिन बाकी दुनिया तो काम करती है ना, उसे तो सोने दो। मेंढक टटरा रहे कान में कब से, अगर दांत पे दांत पजने की भी आवाज आई ना तो चुटकी में गर्दन पकड़ के कूड़े में फेंक दूंगी मैं। इसकी तो गोटी तू भी आ, जल्दी आओ, वो देख भी गोटी तो तेरा नाम है। नाम क्या तेले ने, उधर देख। दिखा चढ़ने दे मेरे को, मुझे भी तो चढ़ने दे। उतर क्यों
बोलाना उतर, क्या करना, एंट्री लास्ट और यहाँ फर्स्ट, नीचे उतर, क्यों यार, बोलाना उतर, सीनियर्स की इज्जत करना सीखो, पहले हम देखेंगे बाद में तुम। चाय क्या? झाड़ के ऊपर फूल बन के मत बैठे रहना, कोई दिखे तो सीटी मार देना, ठीक है? हे मारू, हाँ? हाँ? तेरे को कसम है उसका नाना एग्जैक्टली हाफ हो जाए ना तो वापस आ जाना। हाँ, माँ की आंख आधा हम देखेंगे। हाँ, तब तक वहीं रहो, वहीं रहो। अरे छोड़ना। अरे इतनी देर, साले अब तक आए क्यों नहीं हरामी? अबे लड़की को नहाते तो छोड़, पानी की एक बूंद देखने को भी नहीं मिलेगी, खुजली हो रही है यहाँ पे। कब्रिस्तान में बैठ गया। जिसके चार हाथ है लड़की की तरफ बढ़ते क्या हुआ? अबे मुझे क्या मालूम, मैं भी तो तेरे साथ खड़ा हूँ यहाँ पे। नहीं, कुछ तो हुआ है, साले चिल्ला क्यों रहे? अरे जो भी हुआ होगा उनको, चल हम लोग कल्टी मारते हैं यहाँ से, चल। दादाजी अब तक तैयार नहीं हो? मैं आगे निकलती हूँ, आप गाड़ी लेकर ग्राउंड पर आ जाना। हाँ हाँ, आ रहा हूँ भाई। यार उसने मुझे देखा। ए, नहीं नहीं नहीं, अरे उसने तुझे नहीं मुझे देखा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने तो काले चश्मे पहन रखे थे। हाँ, तो उसमें तुझे देखा? क्या तुझे देखा? किसी को नहीं देखा, मुझे देखा, मुझे देखा। ये मेरे को नहीं देखा, तेरे को देखेगी यार। एक बार देख तो लेती, चार खूबसूरत नौजवान खड़े थे उसके लिए, चार नहीं तीन, चलो तीन नहीं दो नहीं एक तो था ही। हम सबके चेहरे पर नाक नहीं नक्शे हैं भूगोल के, इसलिए मैं दिखता, हम दिखते कैसे इस बात पे नहीं उलझते हैं, लड़की हमें कैसे देखेगी इस बात को देखते हैं। हाँ मुझे दिखाई दे रही है। क्या? का, 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 का। अबे मुझे दिखाई दे रही है एक राह। तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल, बुढ़िया को पटा जाए। क्या? अरे दुनिया की तमाम दादियों को पटाने का एक सुपर हिट फॉर्मूला है मेरे पास। अरे दादी दादी कह के घर में घुस जाएंगे, फिर कहेंगे कि वो हमारे स्वर्गीय दादी जैसी दिखती है। अरे इस पैतरे पर हर बुढ़िया फिसलती है, लेकिन उसके लिए उन्हें हमारी दादी दिखानी होगी ना। लेकिन एक अकेली दादी हम चारों की दादी कैसे लग सकती है यार, बेवकूफ बना रहे हो। एक मिनट, आइडिया मेरा था इसलिए मेरी दादी जैसी लगेगी। हाँ हाँ, तो फिर हम चारों इकट्ठे जाएंगे और दादी जाल फेंकेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कल रात शायद बुढ़िया ने हमें देख लिया हो, पहचान लिया तो प्लान चौपट। आज का मुहूर्त सही है, घर गली सुनसान है और बुढ़िया घर में अकेली है, और अकेली औरत पर मंत्र मारना बड़ा आसान होता है। चल निकलते हैं। ओ बच्चू, क्यों आज नहीं फिर कभी? क्यों क्यों? इस काम के लिए खास हुनर और होशियारी की जरूरत है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में, मुझे पूरा भरोसा है। तू जा बुढ़िया गठरी मार के आ। नमस्ते दादी। हमें भी मरवाएगा, निकलो। अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? क्या कर रही है? मर जाऊंगा। चिल्ला मत, गोटे लोचे हो जाएंगे। अबे सुअर पहले पानी तो डाल, आगे चल रही है मेरी। ला 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 ला, पानी ला, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल, पानी डाल। अबे छाती नहीं, आगे चल रही है कुत्ते।
इतना ऊंचा है। पानी डाल। साले दगाबाजो, कैसे दोस्तों, मुसीबत आते ही पेंधे को पैर ला के भाग गए। सबक सीख लिया सालो, अब तो तुम्हारे साथ छाछ भी फूक फूक के पीऊंगा मैं। अरे हमें क्या मालूम तुम खतरे में हो। ए सैम, तुझे मालूम था ये खतरे में? नहीं। ए मारू, हाँ। तुझे मालूम था? हाँ। अबे तुझे क्या मालूम था, ये नहीं बोलना चाह रहा है। हाँ बोल रहा है ऐसे करके। तो मेरी गला भर चीखे नहीं सुनी तुम लोगों ने? तुम चीख रहे थे, हमें लगा तुम और दादी मिलके जोर जोर से हंस रहे हो। सालो किस्मत अच्छी है मेरी जो कंधों पे अब तक सर बाकी है, नहीं तो तीन बार चूरा घुमाया था उसने यहाँ पे यहाँ पे। क्या होता मेरा? कुछ नहीं रे, बाल का बगीचा कट जाता ये। चुप कर, सारा फोड़ डालूंगा। बस तू दिमाग पे बर्फ घिस के एक बात समझ ले, लड़की को पटाने का तेरा चांस गया। अब तू भुट्टी को शक्ल नहीं दिखा सकता, इसलिए तो लड़की के सामने नहीं जा सकता। चलो एक तरफ का, अब सिर्फ हम तीन उससे शादी करेंगे। हम तीन इकट्ठा उससे शादी करेंगे? क्यों, तो क्या पार्वती ने चार से शादी नहीं की थी क्या? कौन पार्वती? अबे पार्वती ने नहीं, कुंती ने पांडवों से शादी की थी। रामायण तो तुमने पढ़ा है नहीं? अनपढ़ गवार साले। अबे कुंती उनकी माँ थी, पांडवों से शादी की थी वो। द्रोही, द्रोही। अबे द्रौपदी, हाँ। द्रोही। वो जो भी हो हमें क्या, वो माँ भारत है, आज का भारत है। हाँ। हम तीनों का एक लड़की से शादी करना नामुमकिन है। ठीक है फिर, तुम लोग राजी नहीं हो तो मैं अकेला ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं कर लूंगा शादी उससे। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। अच्छा पैसे देने का टाइम होता है, लेने का टाइम नहीं होता है। हेडलाइट के 6,000 भरने थे तब तुम दोनों एक यूनिट थे, अब 6 करोड़ लेने हैं तब तुम दोनों अलग अलग हो गए, दो यूनिट। अबे हट, 3 हिस्सों में पैसे बटेंगे, इसका एक मेरा और एक तुम दोनों का। हाँ उस हिसाब से मुझे कितने पैसे मिलेंगे? चुप, 1 करोड़ बस। 1 करोड़ कैसे यार, 1.5 करोड़ उसके, 1.5 मेरे, 3 करोड़ तो एक पैसा कम नहीं लेंगे हम लोग, बस बता रहा हूँ मैं। क्या 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 जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती तो। अरे है तो क्या मतलब, क्या है तो मतलब, फोन देता एक मैसेज दबाता हूँ कमिश्नर के पास जाएगा, समझा क्या? अरे एक मिनट, ये कमिश्नर बीच में कैसे आ गया? मेरी बात सुनो, अकलमंदी इसी में है कि तुम सब पैसे इक्वली बांटो और जल्दी करो। उस हिसाब से मेरे कितने पैसे हुए? सबके 1,50,00,000 हुए और तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मुझे पापा के गाड़ी के 9,47,000 रुपए अलग से चाहिए। अरे मगर क्या मगर, मुझे ये पैसे 1,50,00,000 से अलग चाहिए और तुम सबसे। ठीक है रख ले। अरे हलवाई रख ले। अबे बमन, जब तेरे बाप ने तुझे घर से लात मार के बाहर निकाला था ना, तब मैंने तुझे पाला पोसा, तेरा रेंट भरा, नहीं नहीं करके उसका 1,50,000 रुपए खर्चा है, वो भी जोड़ रहा है तो वो भी जोड़ना, जो मैंने तुम लोगों को दारू पिलाया, खाना खिलाया, याशी कराई, 80-90,000 तो उसका भी होता है, जोड़ो। साले कर ली ना छोटी बात, दिखा दी ना अपनी औकात तुम लोगों ने। तू कौन से शहंशाह की बात कर रहा है, भिखारी की औलाद? साले तूने मुझे भिखारी की औलाद कहा? साले तूने मेरे को धक्का मारा। अबे दोस्त होके आपस में लड़ते हो, भाड़ में गई दोस्ती। हाँ भाड़ में गई साली दोस्ती। अबे गधे, मेरे को नहीं, इसको मार। अबे फटीचर बॉक्सर बेच नहीं रहा। शांति से बैठकर फैसला करो, चलो। फैसला हो गया, जो पहले गोवा पहुंचा 10 करोड़ उसके खत्म। तू क्या पहले पहुंचेगा भिखारी की औलाद? तेरी तो उड़ के जाएगा क्या? बाजी घर की तो बैंड बजा दी हमने। चुप ऐसे भाड़े से नजर टुकुन होता है। मेरी जीप लेके जा रहे, तेरी तो। हे इंस्पेक्टर भी भाग गया। तू कहाँ भाग रहा है बे? मेरा पकड़, मैं मेरे को क्या, गधे के बच्चे मेरे को क्या पकड़ रहे? उसको पकड़, हट हट, उसको पकड़, चल यहाँ पे। वो तो गया। करोड़ चाहिए सालों को, 10 रुपए देके नहीं हरामखोरों ने। 10 साल लगाए मेरे बोस के पीछे, देखता हूँ ये पैसे को कौन हाथ लगाता है। देखता हूँ पैसा हमसे कौन लेता है, और 10 करोड़ हम लेके छोड़ेंगे। आदि 10 करोड़ ले लेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। चुप।
लगा हुआ है क्या? देख, मैं तेरे को वार्न करता हूँ, आगे देख वरना। वरना वरना क्या कर लेगा तू? हाँ, मैं देखूंगा तुझे, मैं देख लूंगा तुझे, मैं देखता रहूंगा तुझे। उखाड़ ले जो उखाड़ना है तुझे। हाँ, उखाड़ता क्या? उखाड़ उखाड़ना। हाँ ना। उखड़ गई। टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बम्पर, उसके टायर, उसके दरवाजों ने तेरे से रहम की भीख मांगी होगी बेरहम। माफ कर दो पापा, माफ कर दूँ तेरे को, मेरे बच्चे के कातिल को माफ कर दूँ ना। तारी बहन हरी भाई ले जाए आराम को। पापा जी, मुझे गोली मत मारिए, मेरे पास 10 करोड़ रुपए। क्या 10 करोड़ रुपए? किधर है? मैं तो सोचा था कि अकेले में मिलना चाह रही है, मगर ये तो अंधेरे में मिलना चाह रही है। ऐ मदमस्त जवानी, ऐ खूबसूरती की रानी, मलिकाए हुस्न, अजंता की मूरत, क्या कहूं कि तू है कितनी खूबसूरत। डार्लिंग, हाय डार्लिंग, दो चॉकलेट के लिए, तुम्हारा तो टोटल साइज ही चेंज हो गया। चिकन मैं चला होश चले में चले। हाय चिकन मैं कला हो लो मैं ही चिकन मगलो लो मैं ही। डार्लिंग तुम्हारी ये मजाक करने की आदत नहीं जाएगी। लाइट्स ऑफ। ऐ मेरी हुस्न, 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 अरे हुस्न, 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 ठीक है बगला होगले बगला होगले बगला हो हाँ वही यार नाला बगला हो काजी चिकन मैं चला होटल हूँ। ए हो हाँ ही हो ए ए हो आई यू एंड हु इज शी हाँ भाई मिस्टेक हाँ हेलो चिकन मैं चला होटल 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 क्या कर रहा है इंसानियत नाम की चीज नहीं रही है। अरे आदमी की कोई इज्जत नहीं है क्या? हा? ये क्या है साला, गलती नहीं होती है क्या आदमी से? बात करता है साला काला सांड, पता नहीं अफ्रीका के कौन से जंगल से आया है, और उसकी वो काली बीवी रंगोर काली मिर्ची, दोनों कालों ने मिलके
एक गोली के चक्कर में कितना मारा है मुझको। एक्चुअली सारा सिस्टम ही खराब है, सारा मारने का कोई सिस्टम बनाना चाहिए गवर्नमेंट को। अरे यार, जिधर मार रहे हो उधर मारो, जिधर नहीं मार रहे हो उधर क्यों मार रहे हो? साला कोई सिस्टम होना चाहिए। अरे मेरा बस चले तो ऐसी धुलाई बैन करवा दूं। हाँ पहले तुम ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं एक बंजारन, जंगल में जा रही थी, सांप मारे पीछे पड़ गए। मारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे टेंट में घुस गई। अच्छा मैं चलती। अरे ठहरो ठहरो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। बाहर तो बहुत बड़े बड़े सांप हैं, कहीं तेरे को डस लेंगे। तुम्हारी बात में एक पॉइंट पे, लेकिन तुम्हारे मेरे पर इतना प्रेशर डाल रहे हो तो मैं इधर रुकने के लिए तैयार हूँ, पर मारे में भी एक फॉल्ट। क्या फॉल्ट है? मेरे को रात को गरबा खेलकर सोने की आदत है। तुम्हें मेरे साथ गरबा खेलोगे? खेलेंगे खेलेंगे। तुम्हें एक कुंवारे मारवाड़े छाजो रे मारवाड़ा मारवाड़ी में अब नहीं, एकदम नहीं खेल सकते, नहीं खेल सकते अभी। अगर यहाँ ये एक कसाई है तो आपके इतने सारे भाई हैं, आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे और पुलिस को बुला कर रहेंगे। पुलिस? अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं एकदम शरीफ इंसान हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर। अरे बेवकूफ खड़क सिंह, कुछ किए बगैर ही हवालात में आ गया। क्या देख रहे हो भाई? ओए इसमें कोई इंजन विंजन भी है के ऐसे ही खोखा उठा ले आया है? बिल्कुल ठीक कहा भाई, थका हुआ लग रहा हूँ ना, मैं खाना खा के सोए जा। ओए यार तेरा कान। अब सुन, इसके पहले कि पुलिस को पता चले तू मुन्ना को बोल कि रातों रात इसका हुलिया बदल दे। ठीक है भाई। और अगर इसका कोई पार्ट्स ना मिले तो दूसरी गाड़ी का निकाल के फिट कर दे। फिट है भाई। सवेरे जो पहला ग्राहक आएगा उसको चिपका देंगे बस। फिट है भाई। सुन, ओ मुन्ना को शक तो नहीं हुआ कि हम लोग गड्डियां चुराते हैं? हुआ ना। हैं, तूने क्या बोला? कसम खा ली। वाह ये बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। ऐसे मौके पर कसम खा लेनी चाहिए, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। वैसे किसकी कसम खाई? आपकी। अक्का दुबई ढूंढ लिया मैंने, लेकिन प्रीति नहीं मिली। हाँ लकी, अब हम गाड़ी के बिना क्या करेंगे यार? बॉब, तू एक काम कर, जेडी ने जो अपने को एडवांस दिया था ना, वो पैसे लेके इंडिया कॉलोनी जा। सुना है वहाँ पे एक से एक रापची गाड़ी मिलती है एकदम सस्ते भाव में। ये ले मैन, उधर तो पूरा हटेली कोपड़ी का मेला लगता है मैन, उधर आदमी सूट पहन के जाता है और नंगा आते मैन। तो तू नंगा जाना। अरे डैंग को लेके जाना यार, अपना 7 फुट का गुरेला कब काम में आएगा? कुछ भी पंगा होगा संभाल लेगा, क्यों सनी? डैंग। ए सनी, कल तेरा गाड़ी आएगी मेन। खुश? हाँ। आधे घंटे से क्या सोच रहा मुन्ना? अरे सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। दो घुट मारो और शुरू करो। ओके मैं यहाँ हूँ ही नहीं, मैं आया ही। राजा रुक। ओए कहाँ खिसक रहा है? तेरी भाभी मैं सो रही है, टीना से मिलने जा रहा हूँ, सुबह तक आ जाऊंगा। ओके ओए रुक रुक,
तुझे 4 दिन के पैसे दिए हैं ना, तो यहाँ से एक पल के लिए भी नहीं खिसकेगा, समझा? ओके। ये बहरा क्या सुन के गया? हाँ तो 4 दिन के दिए ना, 4 रात के नहीं, तो रात का एक्स्ट्रा लगेगा ना। ओ परवड़ता है तो बोलने, तो मैं चलता हूँ। ए रुक रुक रुक, ये ले। क्या? अब एक फल बोला था ना, 2 ले गया हूँ। एक से काम चल जाएगा, चला लो। ना के पे हूँ, आता हूँ। क्या लड़का, काम कर रहे हैं? हाँ फिट है, आइए। बड़े भैया, ये मुन्ना राहुल को किस बात के पैसे देता है? तुम्हें इससे मतलब? एक मिनट रुको छोटू, ये ग्रीस लगा दे 4 नंबर में। लेकिन इस बात का लाजवंती को पता नहीं चलना चाहिए। 3 साल पहले लाजवंती और राहुल का कार एक्सीडेंट हुआ, लाजवंती कोमा में चली गई। उसे होश में लाने के लिए मुन्ना ने दिन रात सेवा की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहां कहां मत्था नहीं टेका उसने। आखिरकार लाजवंती को होश आया, लेकिन होश में आते ही उसने राहुल के बारे में पूछा, लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट के 3rd ही दिन राहुल गुजर गया था। डॉक्टर्स ने कहा कि वो अपने बेटे का गम सह नहीं पाएगी, इसलिए हमें सच छिपाना पड़ा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मुन्ना दवाई लेकर अस्पताल जा रहा था कि अचानक मुन्ना किसी से टकराया। सॉरी बॉस। ओए। वो राजा था जिसकी शक्ल राहुल से हूबहू मिलती थी। बॉस जाने दो ना प्लीज, मेरे पीछे पुलिस पड़ी। मुन्ना ने राजा को पुलिस से बचा लिया और बदले में उसे राहुल बनाकर भाभी मां के सामने खड़ा कर दिया। राहुल? लाजवंती ने उसे अपना राहुल ही समझा। मां? बस वो दिन और आज की कड़ी, तब से ये खेल चल रहा है। इन पिछले 3 सालों में हम तो राजा को अपना बेटा ही समझने लगे हैं, लेकिन वो हमें कस्टमर समझता है। अपनी भाभी माँ को खुश रखने के लिए मुन्ना कहीं से भी उसे 2 दिन के लिए पकड़ के ले आता है और अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसकी जेब में डाल देता है। पैदल आओ, गाड़ी में जाओ, शरीफ लोग लगते हैं। वेलकम्स वेलकम्स, ये गैराज आपके लिए खोल कर बैठे हैं। होंडा फरारी लेक्सस हमर ब्रांड न्यू तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, सेकंड हैंड तो मिलेगी मिलेगी। हमें भी वैसे सेकंड हैंड गाड़ी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हटके, है ना? 1, 2, 3। वाओ, BMW? नहीं नहीं, मर्सिडीज है। What? सस्ती है, सिर्फ 40,000 दिराम। 40,000 में दे देता, लेकिन एक छोटा प्रॉब्लम है, गाड़ी आगे से मर्सिडीज, पीछे से BMW, 50-50, मैं सिर्फ 50% देने को तैयार हूँ। ये लो जी, 100% BMW, कहीं और लगा दे। ओके। बस आज कर। थैंक यू मैन। डैंग, इसे कहते हैं गुड डील, समझे मैन? गुड डील। गाड़ी में बैठ के बड़ा अपनापन महसूस हो रहा है। ये तो अपना प्रीति है मैन, ये तो अपनी गाड़ी है। कम डैंग, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। Hey, look, this is my car. Yours, yours. पूरे पैसे दिए तो गाड़ी तुम्हारी हुई। ये ले भाई, गिन ले। कल कैरफोर का पार्किंग लॉट से चोरी हुई थी। वो तो इसी की गड्डी उठा लाया। भाजी 5 बजे उठ जाऊंगा। अबे जिसकी गड्डी है वही खरीदने आया है। जल्दी से पैसे रिफंड करो, जल्दी। तुम सब छोड़ो। चोर बोल रहा पाजी। ओए जुबान संभाल के बात कर, ये शरीफों का मल्ला है। देख ले तुम्हारी शराफत, मुझे मेरे पैसे रिफंड करो वरना। वरना क्या करेगा तू? डैंग, क्या करेगा? मुन्ना, धरती हिली। मुन्ना, मैं बताता हूँ। ये क्या बताएगा, हम बताता है, ये गाड़ी चोरी। क्या चोरी चोरी कर रहा है, गड्डी चुरा कर ले जाएगा।
हम ये गाड़ी लेके जाएगा और पैसा भी। देखा देखा मुन्ना, देखा कैसे दादागिरी कर रहा है। ओए तू गड्डी को एक बार हाथ लगा के दिखा। देखा? दिखा। ओए कूल्स कूल्स, देखते हैं हमको कौन रोकता है। ओए फिटे भाई आओ। एक मारेगा शाला बढ़ जाएगा। अबे एक क्या दस मारेगा ना तो भी ये मुन्ना भाई हिलेगा नहीं। अच्छा तो फिर राजमा लो। चल मुन्ना है ना। क्या डिकी, इधर सब सीन शॉट हो रहे, तूने मुझे बताया नहीं। हाँ यार मेरा पेट भी सुबह से बहुत दुख रहा है। नाश्ते में गड़बड़ थी ना, टैबलेट हुई देना है। सुधरेगा नहीं। और बाबूजी क्या चल रहा है? और मुन्ना ने उसे चैलेंजेस फेंका है। कौन? वो सामने। ये बाल की दुकान। अबे ये बाल की दुकान नहीं, उसके बाजू में जो खाल की दुकान है वो। ए जा जा। मुन्ना सिंह ये डक्का तो निकाल दे, लग जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है। बस करो ए, फोन मेरी बारी। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। कितने लोगों ने मारा इसको? एक। कितना मारा? एक। क्या नाम है उसका? एक। मुन्ना, मुन्ना नाम है उसका। यहीं इंडिया कॉलोनी में रहता है। आप टेंशन मत लो, मैं आपका पूरा कर्जा उतार दूंगा जेडी से अगली फाइट में। तब तक आपको मंगता तो मेरा कुछ गिरवी रख लो आप। आप मेरा कल से बैटिंग खुल चुकी है, तेरे फाइटर पे लाखों दिराम लग चुके हैं। फाइटर तो तुझे लाना ही पड़ेगा। नहीं लाऊंगा। ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, फाइटर तो लाना पड़ेगा। क्यों बाप? मलेशिया का मार्को ने, मैं मेरे पास उसका नंबर है। मैं वो मार्को क्या, मार खा हो गया है। जब से शादी हुई इसकी मार खा खा के अपनी बीवी की पागल हो गया। पागल हो गया जेडी सेठ। इटली से स्कॉर्पियो बुलाए? अरे नहीं नहीं, वो स्कॉर्पियो उसको लास्ट टाइम फाइट करने के लिए रिंग में भेजा था तो सामने वाले फाइटर के साथ गुड़ की तरह चिटक गया था। वो इश्क हो गया उसको उसके साथ, शादी कर रहा है वो। जेडी सेठ ने उसके सेक्स चेंज ऑपरेशन के लिए डोनेशन दिया है ना सेठ। ज्यादा दिमाग मत चला, जिसने इसकी ये हालत बनाई है उसको ले गया। मुन्ना, तेरे को बोला था ना पहले ही, अपनी जबान से घूमना मत। बोला था ना, अगर शाम की फाइट में फाइटर लेके नहीं आया तो तुम दोनों। नहीं नहीं समझ गया जेडी सेठ, समझ गया। जा, जा। चल मेरे जिंदा लाश, उठ। जाता सब ठीक हो जाएगा। मैं चल। इंडिया से हीरा गायब, तो फिर हीरा गया कहाँ?